ये रिश्ता क्या कहलाता में अबीरा अरमान से लड़ेगी, वो कहेगी कि ये क्या हरकत थी अरमान, सिगरेट्स रोहित की थी तो तुमने इल्जाम अपने सिर पर क्यों लिया। अरमान भड़क जाएगा, वो कहेगा कि वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अबीरा अरमान की बात का जवाब देते हुए कहेगी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका साथ दो, उसको प्रोटेक्ट करो, लेकिन गलत बात में उसको बढ़ावा मत दो, इसके लिए सही उदाहरण पेश करो। अरमान को अबीरा पर गुस्सा आने लगेगा, अब अबीरा से बहस करने लगेगा और जब अबीरा अरमान की बात नहीं सुनेगी तब अरमान वहां से चला जाएगा, वहीं अबीरा रोहित के पास चली जाएगी। अरमान को समझाने के बाद अबीरा रोहित को समझाने की कोशिश करेगी, हालांकि अरमान की ही तरह रोहित भी अबीरा की बात नहीं समझेगा और ऐसे में अबीरा रोहित को खरी खोटी सुनाने लगेगी। अरमान अबीरा और रोहित की बातें सुन लेगा, वो भड़क जाएगा और अबीरा पर चिल्लाने लगेगा। जब अबीरा अरमान के चिल्लाने पर चुप नहीं होगी तब विद्या अबीरा की इंसल्ट करेगी। विद्या कहेगी कि कौन हो तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, रिश्तों को जोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कम से कम रिश्तों को तोड़ो तो मत, प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो। विद्या की बातें सुनने के बाद अबीरा बुरी तरह टूट जाएगी, वो फूट फूट कर रोने लगेगी। रूही से अबीरा का रोना देखा नहीं जाएगा, वो अबीरा के पास जाएगी और उसे गले लगाने की कोशिश करेगी, हालांकि अबीरा रूही को खुद से दूर कर देगी और वहां से चली जाएगी। अरमान एक बार फिर अबीरा पर चिल्लाने लगेगा, इतना ही नहीं वो अबीरा के मुंह पर टेप तक चिपका देगा। अबीरा से लड़ने के बाद अरमान रोहित के पास जाएगा, हालांकि बीच रास्ते में अरमान की मुलाकात रूही से होगी। रूही कहेगी कि अबीरा तुम्हें जानती भी नहीं है, फिर भी उसने जो कुछ कहा सही कहा, लेकिन वो अभी तक ये बात समझ ही नहीं पाई है कि तुम इंसान नहीं त्याग की मूर्ति हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अपनाया इसलिए तुम हमेशा उनके कर्ज तले दबे रहे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें डर है कि अगर तुमने एक भी गलती की तो वो लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे, इसलिए तुम उनसे मेरे लिए लड़ नहीं पाए। रोहित के प्यार के सामने हमारा प्यार हार गया। रोहित रूही और अरमान की बातें सुन लेगा, वो समझ जाएगा कि अरमान ने ये सब उसके लिए किया है।